कैसे आप लोग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार की प्रोज। तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि भाई हम अपनी स्प्लेंडर मतलब लाडो के लिए भाई लेके आ गए यहाँ पर को मॉन्स्टर टायर्स। तो बाकी आज वो दिन है भाई जिसमें हम आज अब करने वाले अपनी लाडो पर वो टायर्स को इंस्टॉल। बाकी चेक करो भाई, भी चल रहा भाई कोल्ड स्टार्ट। बाकी अपनी पल्सर मतलब अपनी गॉडजिला खड़ी हुई यहाँ पर को, और भाई अपनी लाडो खड़ी यहाँ पर। तो आप फटाफट चलते भाई हल्द्वानी और लेके चलते हैं अपने टायर्स को और फिट करवाते हैं भाई इसमें। बाकी टायर्स वगैरह जो भी है भाई यहाँ पर हो गए हैं भाई, चेक करो। ये भाई 110/90/18 और ये भाई 110/80/18। तो भाई चेक कर पा रहे हो, बहुत भारी टायर्स भाई ये। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको लेके कैसे जाएं। तो भाई कुछ देखते हैं जुगाड़ उगाड़। पहले यार कुछ जुगाड़ उगाड़ बांध लेते हैं अपने टायरों पर, मतलब ये फिट कर लेते हैं अपने बाइकों में, उसके बाद फिर मिलते हैं और भाई कैसे मिलता है अभी। बाकी बस निकल लेते हो भाई यार कुछ जुगाड़ उगाड़ बनानी। तो हमने सोचा कि वो टायर को ना ऐसे करके डाल लिया अपने शरीर पे, फिर वो तुम्हें चेक करवाता हूँ। चेक करो, ये हमने कुछ ऐसे रख लिया यार, पीछे रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी, मैंने कहा इसको ऐसे रख लेते हैं भाई, कंफर्टेबल ही आ जा रहा है। बाकी तो भाई मजे से भाई मतलब सीट का वो लग गया है, सीट बेल्ट जैसा। तो बाकी हमने ऐसे रख लिया और मेरा भाई भी भर रहा भाई स्प्लेंडर में हवा, मतलब लाडो में हवा। तो एक टायर एबीएसी डालेगा, उसके बाद भाई दो दो टायर हो जाएंगे, पेट का एक टायर का। तो भाई बिना किसी देरी के फटाफट निकलता है और सीधे यार जाके मिलता है आपसे शॉप पर, बिकॉज ऐसे ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस दो मिनट रुको, उसके बाद में सीधे मिलते हैं हल्द्वानी पर। बाय। बाकी चेक करो भाई ये जुगाड़ कैसा लगा, कमेंट करके बताना भाई। ये चेक कर पा रहे हो, खतरनाक ही सीन हो रहा है। बाकी मैं तुम्हें भाई को चेक कराता हूँ, ये टायर मेरा यहाँ पर रख रखा है और ये मेरा भाई चेक करो भाई, टायर पूरा फिट आ गया देख रहे यार। रुके हुए पेट्रोल पंप में फ्यूल भरवाया, इस पर हवा भरवा रहा है, इसके ना टायर में ये दिक्कत है भाई, थोड़ी थोड़ी देर में ना हवा निकलती रहती है। तो भैया टाइट करवा लेते हैं ताकि ये मुखाइन तक पहुँच जाए फ्रेश भी करके। बाकी अपने गोड़ी में भी हवा कमी हो रही है, तो फटाफट को भी यार हवा हवा भरवा लेते हैं, उसके बाद निकलते फटाफट। रस्ते बचाते भी पहुँच चुके भाई हम टायर के शॉप पर, बाकी चेक कर पा रहे टायर ये है भाई, दूसरा टायर ये है। बिना इसे देर किए अपने जब खोला खाली वो डन करते हैं, उससे पहले स्कूटी का काम होना है, तो स्कूटी का काम डन देते हैं, उसके बाद भाई जो बाइक है उसके बाद भी करते हैं मॉडिफाई, मतलब कि टायर जो करते हैं अपग्रेड। बस थोड़ी देर में भाई काम अभी शुरू हो जाएगा, तो बस डायरेक्ट काम के नाम पर मिलता है आपसे भाई। बाकी यार गाड़ी वगैरह पार्क कर दी यहाँ पर को, बाकी जो अपना सिस्टम हमने बैठाया कि भाई जो टीवीएस वाला टायर है उसको डालेगी आगे से, और भाई जो ये वाला टायर है उसको डालेगी पीछे से। अब तुम सोच रहे हो कि यार ये टायर आएगा कहाँ से, भाई कल भाई बड़ी किल्लत से टायर मिला हमको, ये भी भाई जगह जगह टूटा भाई, तब जाके मिला ये टायर ना भाई, मतलब पूरे हल्द्वानी में सिर्फ एक दुकान में मिला बस हो गया, वो अपनी बरसाती नहर है जाओगे वहाँ पर एक गुरु नानक करके भाई एक शॉप है टायर वगैरह थी, तो वहाँ जाके मिला भाई टायर, और ये भाई 2023 है। तो बाकी भाई ये बड़े मुश्किल टायर मिला, बस फिलहाल मिल गया। तो बाकी इसके भाई प्राइसिंग वो पड़ी 1800 के आसपास की, 1800 के अप्रॉक्स पड़ी। तो भाई तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि टायर तुम उसके वहाँ कितने का पड़ रहा है। तो बाकी अभी यार भैया वो स्कूटी में काम कर रहे हैं, वहाँ पर चक्कर पड़ोगे, तो थोड़ी देर में भाई ये टायर जाएगा पीछे और ये टायर जाएगा आगे, तो भैया को आने देते हैं, उसके बाद भाई फटाफट हम भी फिट करवाते हैं और लुक देखते भाई क्या केड़ी लुक आने वाली है। ये भैया अपनी गाड़ी लग गई भाई उड़ाने के, तैयार है। बाकी भैया खोल रहे टायर वगैरह, तो फटाफट टायर वगैरह खोलने देते हैं, और मुझे अपने फोन में टेम्पर्ड भी लगवाना है, तो दो मिनट वेट करो टेम्पर्ड वगैरह लगवा लेते हैं उसकी। भाई फाइनली अपना जो पिछला टायर है भाई रिमूव हो चुका है, और अभी यार अगला टायर मतलब जो पिछला टायर, अगला टायर कह रहा हूँ, तो पिछला टायर है उसको भाई अभी यहाँ पर करेंगे इंस्टॉल। ये है अपना भाई पिछला टायर, चेक मारो। तो बाकी अभी यार उसको देखते हैं, हम एक काम करवा रहे हैं, जब मैं ये ट्यूबलेस टायर है ना भाई, इसको करवाने वाले हैं आज भाई ट्यूबलेस। तो जो वो टायर है भाई वो भी ट्यूबलेस ही है, तो हमने सोचा यार ट्यूबलेस झाड़ी खत्म करो। वैसे यार मुझे समझ नहीं आता ट्यूबलेस सही होता कौन सा ही होता, लेकिन फिलहाल अभी जो भी है हम करवा रहे हैं ट्यूबलेस। तो बाकी ये टायर है और वो टायर है भाई, देख रहे हो मतलब मज़ा आने वाला भाई बहुत तगड़ा सा। तो वीडियो बने रहो, अगर वीडियो में चैनल पर नए हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो भाई, और कमेंट कर देना भाई जो हमारे मन में आए। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ चेक करना भाई, तगड़ी चीज़ है भाई बड़ी यार, इसकी आवाज़ इतनी सेक्सी लग रही है ना वहाँ कसम, देख रहे भाई क्या चीज़ है। अभी सीन बन रहा है भाई वॉल बॉडी फिट नहीं आ रही है इसके अंदर, इसमें सबसे पतली वाली आती है, वो पतली वाली मिल नहीं रही इनके पास, तो अभी यार देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बाकी भाई जहाँ हम गए थे ना पहले भाई, वहाँ पर ना टायर वाला फिट नहीं हो रहा था, जो वॉल बॉडी होती है भाई वो फिट नहीं आ रही थी। तो भैया जहाँ हम वॉल बॉडी लेने आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया इधर ही आ जाना आप, तो हमें बाइक वाइक लेके भाई दोबारा टायर वगैरह सब फिट कराया, दोबारा सा भाई इधर आ गया। तो बाकी ये दुकान है भाई जय मोटर्स करके, अपनी भाई सिंधी चौराहे साल अंदर को आके, तो अब क्या करवाना भाई ये टायर यहाँ फिट करवाएंगे, तो देखो भाई कब तक होता है, बाकी फिटिंग देखते हैं। लाडो वहाँ पर खड़ी हुई है भाई, टायर वगैरह सब खुली है, इसका पता भी नहीं लगा यार, हम तो टायर देखने में रह गए, सारा टायर है भाई यहाँ पर को, गॉडजी लगले भी देख रहे थे कौन सा टायर लगवाया। बाकी वो सब छोड़ो, बाकी अपने रालगो का टायर ये पड़ा हुआ है और यहाँ पर फिट हो रहा भाई, चेक मारो मशीन है भाई, तो देखते हैं भाई कितनी देर फिट होता है, उसको मैं लुक चेक करवाते हैं भाई।
जो वॉल बॉडी के लिए भैया मना कर रहे थे वो बढ़िया है फिलहाल, मतलब आ गई वॉल बॉडी वाली तो वो कस दिया अभी। अलॉय वगैरह परचेस कर लेंगे तो भाई गूगल पे का वो डाल दूंगा नीचे में, यूपीआई आई डी डाल दूंगा अपनी, इसमें गूगल पे कर देना सब लोग 100-100 रुपये मस्त करके भाई। नए अलॉय कमेंट करके यू डाल देना कौन सा ले, तो अब लगेगा भाई अपना राल का वो टायर। ये क्या चीज़ हुई है, स्क्वीज हो गया स्क्वीज, लेकिन लुक केड़ी आने वाली है इससे। बाकी इसमें देखते हैं भाई क्या फिटिंग आती है, वैसे इसकी ज़्यादा फिटिंग अच्छी फिटिंग आएगी इस वाले टायर की, क्योंकि एक तो ये बड़ा भी है प्लस अच्छा भी है, मतलब वो भी है इसमें, ये सब पतला है इसका। बाकी भाई चेक मारो भाई फिट हो गया है, बाकी गाइस चेक करो यार जो अपना पिछला टायर है उल्टी ग्रिप लगी शायद, अच्छा नहीं नहीं ठीक, जो अपना टायर भाई आ गया स्प्लेंडर में, अभी बाकी डलेगा भाई इसमें स्प्लेंडर में टायर अपना, चेक कर रहे हो। बाकी गाइस मैं कह रहा था तुमसे ग्रिप उल्टी हो गई हो। भाई हादसा हो गया था, हादसा ये हुआ कि भाई जो टायर था वो टायर की ग्रिप चढ़ गई उल्टी, तो टायर दोबारा खोल के भाई दोबारा कसना पड़ेगा। अपने गौरजिला वहाँ पार्क कर दिया, देख रहे हो कैसे खड़ी बेचारी सुनसान, तुम कमेंट करके बताना कि भाई अपने गौरजिला सेक्सी लगती है या फिर अपनी लाटो। तो बाकी अभी यार टायर की फिटिंग वगैरह कर रहे हैं पिछले टायर की, अगर हल्का हल्का लुक चेक मान लो यार, यहाँ ना भाई हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं समझ भी नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तब भी मैं ये कह रहा हूँ टायर उसको मतलब खोल के टायर लगा के कस लेते हैं, तो बस बढ़िया करके भाई एक सुनसान सी जगह पर तुम्हें आराम से इसका मतलब सब कुछ बताएंगे और क्या क्या चीज़ में देखनी पड़ेगी टायर फिट करने से पहले वही बताएंगे, तो पहले पूरा टायर पड़वा लेते हैं उसके बाद में मिलते हैं भाई आराम से। भाई टायर वगैरह खुल रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी भाई, जो ये अपना ये है ना ये ब्रेक वाला हिस्सा, इसमें भाई होंडा का साइन बना है, तो क्या मतलब हीरो अभी भी होंडा के स्पेयर पार्ट यूज़ करता है। अभी यार जो ब्रेक्स हुए वो भी चेंज होने हैं, वो पूरे घिस गए हैं, तब यार टायर में जाम जाम चल रहा था, तो बाकी मेरा भाई गया हुआ है यहाँ पर सामने एक दुकान है यहाँ पर को टायर वायर जो पत्ती का काम था ना, मैं तुमसे कह रहा था ना कि यार जो चीज़ देख लेना वो पत्ती एक रॉड है इसमें, ये देखो ये वाली रॉड है ना टायर पर लग रही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, खोल के हल्का टेढ़ा करना पड़ेगा या फिर नट वगैरह डाल के कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, तभी ये टायर का वो आएगा, फटाफट से उसको करवाते हैं और टायर वगैरह फिट करवाते हैं, वरना उसके ना टायर वगैरह फिट ही नहीं होगा। अभी यार जो पत्ती जो मैंने रॉड दिखाई थी ना वो रॉड पीट पीट के फिर टेढ़ी कर दी हल्की सी, तो थोड़ा भार को कर दिया है अभी, मतलब यार मैं यहाँ वीडियो बनाऊँगा थोड़ा बड़ी दिक्कत पड़ रही है, अब मैं यहाँ बनाऊँगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हल्ला हल्ला इतना हो रहा ना भाई, थोड़ी मार्केट वाला एरिया है यहाँ पर को, तो हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से यार अभी तो मैं खाली ऊपर अपर को बताता हूँ, जो पत्ती भाई वो हल्की पीट पीट ये देखो यार पत्ती जो है ना भाई हल्की पीट पीट के टेढ़ी कर दी है, तो बाकी अभी हल्का टायर बन जाएगा, बाकी टायर वगैरह फिट करवा देते हैं उसके बाद सीधा टायर के टाइम पर मिलते हैं आपसे यार। भाई गाड़ी देखो यार लग के सीरी कदम से यार, खड़ी देखो आगे इतना सा टायर छोटा सा पतला सा टायर और पीछे से चौड़ा टायर, वो गेम नहीं खेलता तो इसमें गाड़ी वगैरह ट्यूनिंग व्यूनिंग करता है भाई, जिसमें टायर वगैरह चौड़ा कर देता है छोटे कर देता है वैसी लग रही है वहाँ, तो इसका अगर टायर फिट होने रह गया है, और मैंने इसी वजह से जो अपने रिंग वाला ये जो अपने टायर था ना भाई तुमने टायर देखा जो अपने एलॉय था ना पेंट करता था, जो एलॉय था भाई इसमें नहीं करा था कि जो ये हिस्सा छोड़ गया था, बिकॉज मुझे पता था ये घिसेगा घिसेगा खोलने खाने में, खाली वो ब्लैक पेंट उखड़ जाता है, इस वजह से भाई मैंने खाली ये वाला हिस्सा ब्लैक पेंट करा और ये वाला हिस्सा जी छोड़ दिया, अब अगर घिसेगा भी तो उतना पता नहीं लगेगा बिकॉज पुराना है ओल्ड है, बाकी अपना जो ये जाला पेंट है भाई सेफ रहेगा। बाकी पिछले टायर की फिटिंग हो गई है, अब रह गई है बस अगर टायर की, तो फटाफट इसको होने देते डन, उसके बाद तुम्हें दिखाते हो अपनी सेक्सी सी लाडो भाई। अब ला गए भाई अपने फ्रंट टायर को, इसमें लगेगा भाई ये वाला टायर TVS वाला भाई, चेक करते हो और तो कुछ नहीं मशीन बहुत बढ़िया भाई, देख रहे हो ना जो फ्रंट टायर है भाई वो भी हो चुका है डन, हवा बनना रह गया है ज़्यादा स्क्वीज हो गया है, तो देखते हैं होकर के थोड़ा सही आ जाएगा बस, बाकी तो फटाफट फिट करा के चलते हैं अपनी घर को, मस्त घर पर जाके मस्त करके रिव्यू देंगे आपको इस टायर, बाकी हवा वगैरह भी डाल चुकी है चेक मारो भाई, और अपने टायर बन चुके हैं फुल्ली ट्यूबलेस, ये कोई दिक्कत ना है हवा वगैरह निकले, बिकॉज कभी कभी जैसे तुम ट्यूबलेस से ट्यूब वाले मतलब ट्यूब वाले से ट्यूबलेस शिफ्ट करते हो तो कभी कभी हवा निकल जाती है। बाकी अभी इसकी फिटिंग हो गई है भैया, चेक कर रहे हैं वॉल बॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है हवा, लेकिन ये फिटिंग का काम रह गया, तो फटाफट से फिटिंग वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद फटाफट चलते हैं घर को और मस्त करके घर पर जाकर देंगे रिव्यू, और वो बातें बताऊँगा जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी टायर वगैरह फिट कराने से पहले। भी यार आ चुके हैं बाहर, फिट करना सा अगला टायर, चेक मारो भैया ग्रिप चेक कर रहे हैं, उल्टी तो फिट नहीं हो गई, पिछला तो भाई उल्टा फिट हो गया था, चक्कर में ना भाई पूरा टायर दोबारा खोलना पड़ा, खाली उल्टा फतीता हो गया भाई, तो बाकी अभी ब्रेक शू का तो ठीक है फ्रंट टायर का हमारा अब, और भाई बस खाली फिटिंग का काम रह गया है, कोई फिट करवा लेते हैं फटाफट, थोड़ा पतला लग रहा है अलॉय लगे ना राल को ज़्यादा थोड़ा लग रहा है, ग्रिप ज़्यादा मोटी है ना उसकी, लाइटों पर एक दिक्कत और आ गई है, उसका तो स्टैंड है भाई इतना सा दिन के झूला झूल लेती है भाई, देखो ये देखो डबल स्टैंड लगाने के बाद दोनों टायर नीचे देख रहे हो, ये भी टायर नीचे ये टायर भी नीचे, सीन का बन रहा भाई जो अपना ये डबल स्टैंड है ना भाई यहाँ पर वाला ये लग रहा भाई टायर पे, अब देखो भाई क्या जुगाड़ बनता है, अब इसे खोल भी नहीं सकते अलग नहीं कर सकते बिकॉज अगर इसको अलग करेंगे फिर अपना जो याला हिस्सा है ये कसेगा नहीं इसमें, तो अभी देखो यार क्या सीन बनता है, वरना डबल स्टैंड जो है ना हटवा ही देंगे, तो देखते हैं भाई 2 मिनट रुको उसके बाद बताते हैं कोई सॉल्यूशन वगैरह मिलता है तो।
वहाँ से ये ऐसा हुआ कि जो काम था ना थोड़ा बढ़िया था, इस वजह मैंने वहाँ वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई। जो तो दिक्कत थी वो दिक्कत थी भाई स्टैंड की, दिक्कत ये थी ना भाई जो स्टैंड था वो टायर के चक्कर में ऊपर लग रहा था, तो हमने जुगाड़ करे घर को लिया, तो जुगाड़ वगैरह भी दिखा देंगे अभी। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं अभी, तो तुम्हें दिखाते हैं भाई प्यारे प्यारे सिनेमैटिक। उससे पहले तुम्हें दिक्कत बताऊँ तो दिक्कत क्या रही थी भाई, बाकी ये खड़ी इधर लाडो भाई चेक कर पा रहे हो कि सेक्सी लग रही भाई चौड़े टायर भाई। बाकी भी उसका मडगार्ड का मॉडिफिकेशन करने वाले हैं कुछ टाइम पे, कुछ टाइम पर उसका भी व्लॉग आएगा। और बाकी तो मुझे कमेंट करके बताना कि भाई क्या क्या करे। और बाकी यार जो हम वहाँ से आए भाई स्टैंड को ऐसे लेकर आए, ये चेक कर पा रहे हो भाई ये जुगाड़, क्योंकि क्या सीन हो रहा था ना जो स्टैंड है भाई यहाँ टायर पर लग जा रहा था, यहाँ पर चेक कर पा रहे हो स्टैंड थोड़ा हिलता है ये, जिस चक्कर में ये फिट नहीं होता यहाँ पर। तो बाकी हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके जुगाड़ करके अटका दिया था, तो हम घर तो आ गए थे ऐसे। बाकी इसमें ये कराना पड़ेगा ना हल्का इसको पिचका के, थोड़ा पिचका के, या फिर स्टैंड उतारना, स्टैंड उतार नहीं रहे लेकिन हल्का पिचका के इसको करना पड़ेगा ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कि ये टायर वगैरह में फिट लगे ना। तो बाकी भी तुम्हें देते भाई प्यारे प्यारे सिनेमेटिक, और लुक चेक करके कमेंट करके बताना कि अपनी लड्डू कैसे लग रही है भाई। मेरे सब बस्ती बोर चले काली कार, बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार, ये बट खान पीते मंगे जान जा लेंदे, असि बैठे हां बठाया बंदे उठने नहीं देंदे, लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली, कीड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली, साडे मैट्रिक च आउंदी ना प्लस बल्ली। तो बाकी तुमने चेक करा था अपनी सिनेमैटिक बहुत प्यारे प्यारे से, बाकी मुझे कमेंट कर बताना अपनी लाडो कैसे लग रही है ब्रॉड टायर के साथ। तो कुछ टाइम बाद मैंने अलॉय वगैरह ऑर्डर कर रखे हैं, तो अलॉय में क्या दिक्कत है ना भाई, इसका जो अलॉय इसके जो हब है ना भाई रिम का जो हब है वो छोटा है भाई, तो छोटे गिट्टे मतलब छोटे हब वाले जो अलॉय है ना वो ऑर्डर पे आते हैं भाई, बड़े वाले तो अवेलेबल थे लेकिन अब बड़े में ना क्या सीन था कि भाई इसका हब चेंज करना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा आता। तो बाकी जिसके अलॉय वगैरह वो सब ऑर्डर कर रखे हैं, तो बहुत टाइम मतलब 10 दिन के आसपास लगेगा टाइम उसमें, तो वो परचेस करने जाना पड़ेगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी लाडो कैसी लग रही है। बाकी अपने ब्लॉग को धीरे करता है, होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो ऐसे हंसते रहो खेलते रहो, मेरे ब्लॉग देखते रहो, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग पे, तब तक जय श्री राम भाई।